बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी बातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। से निकलना वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों पे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश।
शिव का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू। गॉड, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। राजेश जी आपने ठीक कहा था, अगर 5 मिनट पहले मैं चला गया तो बहुत नुकसान होता मेरा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मैं आपके सामने ये कर पाया, प्रस्तुत कर पाया। अगर चले जाते तो मुझे भी बहुत दुख होता। मैं ऑब्वियसली सभी को दुख होता। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 4 साल पहले दुबई में एक प्रोग्राम में मैंने गाया था। दैट वाज द लास्ट टाइम माय अंकल सॉ माय परफॉर्मेंस। ही वाज वेरी क्लोज टू मी, ही पास्ड अवे द नेक्स्ट ईयर। तो दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच वी सैट एंड प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सब यादें बहुत ताजा हो गई। एंड इट्स मोर देन एक्चुअली मेमोरी, आई वुड से दिस इज मोर ऑफ a memory which I can never erase. इसलिए like जो आपने कहा था वो चलते चलते जो मैं कह रहा था वो वीडियो में वो लाइन मेरी यादों के बारे में है। इट्स मोर ऑफ मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने खोया है वो मुझसे छूटती नहीं है, याद बन के रह जाती है। तो इट इज देयर। या इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज नॉट सीन मी ग्रो for the past 3 years, because he's gone 3 years. So yeah, आपका गाना दिल को छू गया। And Rajesh जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रोक लिया। त्रिपाठी जी आपने बहुत अच्छा गाया। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा। No words at all, words नहीं है। और उतना अच्छा गा रहा था। Very nice. Thank you. showering of tune and rhythm and whatever it is, voice, captivating voice really. उषा जी बिल्कुल सही कहा, अगर ये सामने नहीं होते ना तो ऐसा लगता है किसी ने म्यूजिक चला रखा है। हाँ. रेडियो पर आ रहा है गाना। yes. बिल्कुल आवाज और हर चीज वैसी, बहुत अच्छा। त्रिपाठी जी पूरे बचपन की याद दिला दी आपने। नहीं ये गाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि समय समय पे याद आता रहता है, कभी समय समय पे याद आता है और पूरी बचपन की वही जो हरकतें हम किया करते थे। हाँ, तो सारी चीजें, रेत के ऊपर घर बनाना, कश्ती चलाना, सारे के सारे काम किया करते थे। हालांकि आजकल के बच्चे ये लोग नहीं करते, हमने सब किए। हमने हर लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, हमने बहुत सारी चीजें जी है जो हमारे बड़ों ने नहीं जी थी, हमारे बच्चे अब नहीं जी पा रहे हैं उन चीजों को। हाँ, हमारा टाइम गोल्डन टाइम है। हमने टेक्नोलॉजी भी देखी है और पुराना भी जी है। बहुत अच्छा समय रहा और त्रिपाठी जी बहुत खूब। थैंक यू। त्रिपाठी जी मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हमने घर में फैमिली में एक ट्रेडिशन बना के रखा हुआ है कि जिस फैमिली मेंबर का बर्थडे होगा उसकी पसंद के रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर के लिए जाते हैं। तो मेरा जब भी बर्थडे आता है मैं एक ही रेस्टोरेंट है नोएडा में वहीं जाता हूं और वहां पे एक छोटा सा एक सिंगिंग ग्रुप है, एक म्यूजिकल ग्रुप होता है उस रेस्टोरेंट में जो आपके ऑन डिमांड गाना गाता है, जो भी आप स्लिप पे लिख के दे देंगे वो गा के सुनाएगा वो। और मैं हमेशा एक ही गाना, कितने सालों से एक ही मेरी फरमाइश होती है और वो गाना हमेशा वो सुनाता है और वो गाना वही है जो आज आपने गाया है। चलिए सर, ये आपके पसंद का तो निकला बहुत। हाँ जी, तो बच्चे पूछते हैं कि पापा इस गाने में ऐसा क्या है कि आप हमेशा वही गाना की फरमाइश करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इस गाने में स्वीट ओल्ड मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की, इसीलिए मुझे ये गाना इतना पसंद है। मैं हमेशा वही फरमाइश देता हूँ और आपने जितना अच्छा ये गाना है उतना ही अच्छा गाया भी, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर इट। बहुत अच्छा।